सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग ऑफ माय चैनल। तो आज का डे है डे 10th। 10 दिन हो चुके हैं हमें घर से बाहर। तो आज मैं उठ गया था 2-3 घंटे पहले और नहा वहा के फ्रेश हो गया। आज भांजा व्लॉग पे नहीं है स्टार्टिंग में, क्योंकि वो गया स्कूल। वो आएगा 2 बजे के करीब। और अभी ये यार कभी कोई बारिश गिरवाओ यार, ए भगवान, बारिश दे दो भगवान। यार बारिश आता ही नहीं यार, धूप, भयंकर धूप है यहाँ पे। और आज 10 दिन हो गया, हमारा टिकट फाइनली कंफर्म हो चुका है, जो कि 30th को है। आज 28 है, या आज 27 है, 28, 29, 30, 2 दिन बाद है हमारा टिकट। तो हम 30 तारीख को फाइनली ट्रेन में बैठ जाएंगे और 2 तारीख को हम घर पहुँच जाएंगे। तो यार, तो चलो गाइस, आज का व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और अभी बज चुके हैं दिन के 11:30, और ब्रेकफास्ट तो मैंने कर लिया था। तो चलो, आज ज़्यादा कुछ दिखाएंगे नहीं इस व्लॉग में, दिखाएंगे इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला है, तो आप लोग व्लॉग पे बने रहे। और हाँ, थैंक यू यार, जो भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे 10 days 10 vlogs, मतलब अब रेगुलर व्लॉग्स ही आएंगे। कोई कोई मेरे दोस्त भी बोलते हैं कि रेगुलर व्लॉग्स कर, मुझे मतलब एक पावर देते करने के लिए, मुझे मतलब एक्साइटेड करते हैं। तो थैंक यू सब चीज़ के लिए। और आप लोग तो सपोर्ट दिखा ही रहे हो, आप लोग सब्सक्राइब करते हो, मुझे पता है आप लोग करते होगे। तो बस यार, ऐसे ही बनाए रखना। मैं ट्राई करूँगा कि हर दिन, हर डेली व्लॉग्स लेके आऊँ। मैं यूट्यूब पे ग्रो हूँ या ना हूँ तो वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ग्रो होने के लिए या फिर पैसे कमाने के लिए यूट्यूब नहीं खोला। मुझे बस एक एक्सपीरियंस करना था कि यूट्यूब का जर्नी कैसा होता है, कैसे शुरुआत से लोग बड़े होते हैं, बस उतना ही करना था। बस आप लोग सपोर्ट दिखाते रहो। और जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया था शुरुआत में, एक लाइक फटाफट से ठोक दो यार। तो चलो, आज का दिन को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अभी हम खाना खा रहे थे, ये देखो मैं खा रहा था और आ गया भांजा स्कूल से, ये देखो। और भाई, कैसा लगा आज पहला डे स्कूल का, 11th का? अच्छा था, ज़्यादा कुछ क्लास कराया नहीं, मतलब थ्योरी वगैरह को स्टार्ट नहीं किया, अभी कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया। अच्छा, बस इंट्रोडक्शन दे रहे थे। अच्छा, और बाकी सही था ना? हाँ, बहुत अच्छा। चलो गाइस, आज कोई प्लान है ना? आज तो तुम्हारा ट्यूशन भी है। नहीं, आज मोमो खाने चलेंगे। मोमो? तो गाइस, आज 5 बजे मोमो खाने चलेंगे। चलो, आज आपको दिखाएंगे यहाँ का मोमो कैसे होता है, और 2-3 जगह और दिखा रहे हैं। तो चलो, अभी फटाफट से खाते हैं हम लोग और फिर आपसे मिलते हैं। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। ना सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीनू, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, हाँ सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा जीना तेरे बिना हमदम। बाहर का व्यू कितना देखे यार, बोर हो चुके, पर है तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर, काफ़ी ये व्यू देख के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। और बाकी यार, नेक्स्ट लेवल है। और मैं तो भाई थक गया यार, और कितना बाहर दिखाऊँ। और आज कहीं गए भी नहीं, आज ज़्यादा व्लॉग भी नहीं कर पाया, पर मैं एंड नहीं कर रहा हूँ है। आज हम मोमो खाने जाएंगे और शायद स्विमिंग पूल में नीचे स्विमिंग भी करेंगे, तो आप लोग बने रहे व्लॉग पर। और बाकी यार, क्वालिटी मानना पड़ेगा भाई, इसका क्वालिटी अलग ही, नेक्स्ट लेवल क्वालिटी भाई। और बाकी आप लोग तो कमेंट ही नहीं करते भाई, आप लोग बताते नहीं क्वालिटी कैसा लग रहा है यार, बताओ यार क्वालिटी कैसा लग रहा है यार, बताओ। और ब्लॉग अच्छा लग रहा है, ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करो और कमेंट कर दो यार कुछ बढ़िया सा। तो अभी रीत जो है, मेरा भांजा रीत, वो गया है ट्यूशन। ट्यूशन से आने के बाद अभी 7 बज चुके हैं, वो ट्यूशन गया और 8 बजे आ जाएगा। और फिर हम लोग चलेंगे नीचे खाने और फिर तैरेंगे भाई, आज फुल स्विमिंग करेंगे। और आज नीचे का आपको पोडियम दिखाने का बात था ना, वो पोडियम नहीं दिखाया, तो आज पोडियम भी दिखाएंगे। तो चलो, अभी शाम हो चुका है, कुछ चाय नाश्ता करते हैं और फिर आपसे। तो गाइस
हम लोग आ चुके नीचे और अभी ये भी आ चुका है ट्यूशन से। और भाई कैसे रहे क्लासेस? अरे क्लास तो बढ़िया बढ़िया। हाँ। अभी किस तरफ है पोडियम का रास्ता? चलो गाइस हम लोग पोडियम जा रहे हैं, आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या है और स्विमिंग पूल भी है भाई, वहाँ दिखाते हैं आपको। चलो गाइस ये देखो आप लोग, ओ भाई ये फाउंटेन देखो, बहुत कुछ है ना यहाँ पे। हाँ, बहुत कुछ है, बहुत बड़ा है ना इसलिए टाइम। चलो दिखाओ, बहुत बड़ा है। सोसाइटी के अंदर कितना कुछ है भाई, एकदम हार्ट ऑफ द सोसाइटी। हाँ मतलब सोसाइटी का दिल है ये, हार्ट मतलब सोसाइटी का हार्ट। हाँ मतलब ये सबसे लाइवली जगह है, यहाँ पर लोग पिकनिक करने आते हैं। यहाँ पे छोटे छोटा मोटा पिकनिक होता है ना कि ऐसे घास पे बैठ जाओ, बारिश का दिन है, ठंड का मौसम है तो यहाँ पर बच्चे बैठ जाते हैं। सॉरी मतलब हम लोग बैठ जाते हैं। बाकी यार थोड़ा सा मंदिर है और मंदिर भी है। वो पीछे से दिख नहीं रहा होगा। अच्छा यहाँ पे क्या खेल रहे बच्चे? ये है बैडमिंटन कोर्ट देखो, और वो बास्केट, और ये क्या है? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल हाँ। और क्या है आगे? और भी है ना बहुत कुछ। वाह मस्त लग रहा है ना यहाँ पे। ये देखो यहाँ यहाँ क्या चल रहा है? बैडमिंटन। और वहाँ भी बैडमिंटन, बास्केटबॉल कोर्ट है। बास्केटबॉल कोर्ट में बैडमिंटन खेला जा रहा है, वो जुगाड़ चल जाता है। चलो कोई ना, यहाँ तो फिर भी ये बास्केट, यहाँ तो फिर भी बास्केटबॉल मतलब कोर्ट में खेल रहे हैं। हम लोग तो गली में खेलते हैं, क्या पता है फुटबॉल गली में फुटबॉल। अरे कोई बात, भाई बहुत बड़ा है भाई। ये देखो पार्क भी है बच्चों का। आज कुछ ज़्यादा व्लॉग किया नहीं पर अब दिखाएंगे आपको बढ़िया से। भाई ये तो लग रहा है बुर्ज खलीफा है भाई, बुर्ज खलीफा ही लग रहा है मेरे को तो। यार देखो कितने मस्त बच्चे खेल रहे हैं। अगर आप लोगों को क्रिकेट वगैरह फुटबॉल वगैरह खेलते हैं। अच्छा क्रिकेट, हाँ, और गाइस अगर थोड़ा लो लाइट आ रहा होगा तो माफ करना क्योंकि यहाँ पे लाइट इतना अच्छा खासा है नहीं, जितना हो सके मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये क्या है? हाँ? ये वाला कौन सा? ये वाला कोर्ट। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्रिकेट बैडमिंटन, ओ यहाँ पे सब खेल लेते हैं। अरे ये फुटबॉल लग रहा है मेरे को, फुटबॉल कोर्ट ये कॉमन है, यहाँ पर कुछ भी खेल सकते हैं। मस्त खेल रहे भाई ये लोग फुटबॉल, यार देख के खेलने का मन कर रहा है पर हमें तो खिलाएंगे नहीं, क्या बोलते हो? अरे खिला लेंगे पर फिर भी अजीब सा लग रहा है, ये लोग अपने फ्रेंड्स में खेल रहे हैं, फ्रेंड सर्कल में। तो फ्रेंड सर्कल जब टूट जाता है ना तभी नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ये क्या है? एम्फी थिएटर है। एम्फी थिएटर हाँ। क्या होता है इसमें? ये होता है, ये स्टेज है और हाँ। यहाँ पर लोग बैठते हैं। अच्छा। कुछ प्रोग्राम होता है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे गाइस यहाँ पे प्रोग्राम होता है तो अनाउंसमेंट कुछ ना, अनाउंसमेंट हो गया फिर कुछ बर्थडे वगैरह हो गया। अच्छा तो यहाँ लोग बैठते हैं और यहाँ पे ये पूरा गैलरी है टाइप। क्या ये गैलरी टाइप है? गैलरी से सब बैठते हैं यहाँ पर और ये स्टेज। ये भाई कितना मस्त है, यहाँ तो आराम से बैठ के मस्त चिल कर सकते हैं भाई। अब चिल करने का बहुत टाइम, वो बहुत ज्यादा है। ओहो यहाँ पर छोटी छोटी इवेंट्स हो गई। अच्छा बैठ जाते हैं बूढ़े लोग यहाँ पर आके ताश वगैरह खेलते वगैरह खेलने का। और ये एक प्यारा सा वाटर, यहाँ पे एक लाइट हो जाता ना तो कितना अच्छा लगता है। ये वाटरफॉल आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड सामने जाके दिखा दो। ये देखो गाइस भाई साहब काफी सही है। ये देखो दिवाली के टाइम और सुंदर लगता है। दिवाली का वही तो मैं मतलब सोच रहा था आज दिन में बैठे बैठे कि जो भी होगा दिवाली में सारे बालकनी एकदम। हाँ हाँ वो तो होता ही होगा। और जी भी रास्ते किधर दिखाई नहीं दे रहे। हम भी जब पहले यहाँ पर शिफ्ट हुए थे हाँ तो हमें भी बहुत वो लगता था कि हाँ वो तो लगेगा भाई। मैं यहाँ पे कितना दिन, दो दिन से हूँ तुम्हारे पास, दो तीन दिन से। और भाई लिटरली बता दो आपने तो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया। हाँ मैंने तो कुछ भी नहीं किया फिर भी एक अलग लाइफ। सनसेट पॉइंट भी है इधर, रॉक गार्डन टाइप मतलब रॉक से सारा कुछ बना हुआ है। रॉक से दिखाऊंगा। वाओ गाइस वाओ। तो गाइस एक चीज बताओ, इधर जो पूरा सामने कंपार्टमेंट है ना ये खेलने के लिए बच्चों लोग के लिए, और ये पास में ये बच्चे खेल रहे हैं ना, इधर वाईफाई लगा हुआ है भाई। वाह तिनसुकिया में लोग वाईफाई के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं। और यहाँ देखो यहाँ पे यही पे वाईफाई लगा हुआ है कि नहीं? आप जो अभी आर्केड गए थे ना ग्रोसरी लेने, वो ही पूरा कॉमन डिपार्टमेंटल स्टोर में भी पूरा कॉमन वाईफाई है। सही है भाई, नहीं स्टोर के अंदर नहीं पूरा आर्केड में ही। आर्केड में हाँ किसी भी उसमें चले जाओ एक कॉमन वाईफाई। अच्छा ये देखो सोसाइटी का मंदिर भाई, जय भगवान जी यार।
कि एक अलग से मंदिर भी बना के रखा हुआ ना। हाँ। सही है भाई, लोग आके पूजा वूजा करते हैं। कुछ ना डिस्प्यूट की वजह से पूरा मंदिर बन नहीं रहा, ये एक तो टेम्परेरी सा करके रखा है। अच्छा। रिलीजन वेलीजन का हो जाता है कुछ डिस्प्यूट वगैरह, तो अभी अलग से मंदिर नहीं बना रहे, ये टेम्परेरी एक हट लेके करता रहा। कहाँ जा रहे हम लोग? क्लब हाउस। चलो गाइस चलते हैं फटाफट से और आपको वहाँ पे क्या क्या सारे दिखाते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं क्लब हाउस और ये देखो ये ना भाई, ये तो पूरा शीशा का बनाया हुआ है। इधर में फ्लोर से क्या और भी तीन चार फ्लोर और पूरा जिम। इधर जिम भी है, काफ़ी प्रोफेशनल बना के रखा है यार। तो चलो गाइस अंदर अंदर दिखाते हैं आपको। ये देखो भाई, ये देखो इधर क्या खेला जाता है, बिलियर्ड्स। ये देखो आपको दिख रहा होगा, इधर लोग बिलियर्ड्स खेलते हैं और उधर क्या नाम चल रहा है तो आपको नहीं दिखा सकते अभी। जिम का म्यूजिक भाई, जिम का म्यूजिक। वाह भाई जिम चल रहा है एकदम। भाई यार तो भाई आगे देखो स्विमिंग पूल, भाई लोग तो मजे कर रहे हैं। ओ भाई साहब पूरा स्विमिंग चल रहा है तो यार, बच्चे डुबकी लगा रहे हैं छोटे छोटे भाई। लोग ही लोग इधर मस्त सीन चल रहा है इधर तो। और बाकी और क्या क्या है इधर? और तो यार ज्यादा कुछ देखने को है नहीं, क्लब हाउस मैंने आपको दिखा दिया है। हाँ। और क्लब हाउस में एक सैलून टाइप का है यहाँ पर। अच्छा सैलून क्या ही देखना है। हाँ वही तो, अब तो और देख और रह क्या गया देखने लायक। वही तो आपने पूछा कि अब क्या रह गया देखने लायक, कुछ नहीं है फिलहाल। तो चलो गए अभी मोमो लेने चले। हाँ चलो चलो गए हम लोग चलते अभी मोमो खाने। दिखा लिया यार और क्या ही है इसमें, और कुछ नहीं है, सही है जो भी है। तो चलते हैं, हम पहुंच चुके वापस से आर्केड में। ये रहा सामने है हमारा मोमो वाला शॉप, हम लोगों ने ले लिया था मोमो। ये हम कुछ स्ट्रिंग की बोतल्स भी लिए और ये मोमोज ले लिए, चिकन मोमोज वेज मोमोज जो भी है, और वो भी खाएंगे मतलब घर वाले। तो भी सीधा चलते हैं यार, बाहर बहुत गर्मी है, अंदर जब एसी चलता है ना पता ही नहीं चलता बाहर इतना गर्मी है। और ठंडा ठंडा ही पियेंगे भाई, बहुत ज़्यादा टायर्ड है, मतलब टायर्ड क्या है पसीना बहुत है। तो चलो हम पीछे से गए थे और अब आगे से एंट्री कर लो। चलो अभी सीधा चलते और भाई पूरा थक गया। अरे तुम तो भाई ट्यूशन से आके सीधे नीचे से ही मोमो लेने फिर घुमा भी दिया। हाँ स्कूल स्कूल फिर घर पे आया फिर ट्यूशन, और जाना वाना आना जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो गर्मी है ना भाई वो तो भाई अगर तुम तेंसू के आओगे ना तो तुम्हें लगेगा कि तुम दार्जिलिंग आगे बैठे, यहाँ से अगर तुम तेंसू का शिफ्ट हो जाओगे तो तुम्हें लगेगा दार्जिलिंग में नेक्स्ट लेवल। जलो तेंसू कैसे देख रहे हो तो बताइए। हम लोग पहुंच चुके अपने रूम के बाहर और अभी इधर घर पे मिलते हैं। तो गाइस हम लोगों ने डिनर कर लिया और भाई वो मोमो की चटनी थी ना वो बहुत तीखी थी। तो भाई अब इसका देसी जुगाड़ दिखाओ, पकड़ो भाई देसी जुगाड़। हो गया आप लोग आ जाओ यहाँ चढ़ना है आपको, पहले सामने ऐसे चल रहा है ऐसे लेना आपको हुआ। वाह बोलते हैं ठंडक का महसूस। सो गाइस आज के ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। तो आज काफी छोटा ब्लॉग था ना। हाँ यार आज छोटा हो गया, एक्चुअली मैं स्कूल गया था ना तो इनको कंटेंट मिला नहीं। क्या करो यार कंटेंट आज मिला नहीं। हाँ। कुछ खास नहीं मिला, जितना भी मुझे मिला मैंने आपको दिखा दिया। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी करना, शेयर कर देना भाई इसमें प्लीज शेयर कर देना। गरीब आदमी है यार,
बहुत ज्यादा गरीब, 36 मिलियन पहुंचा था भाई। ये अमीर लोग भाई, मैं गरीब अमीर लोग भाई भाई फोन देख रहे हो ना आप कौन से थैंक यू। सो गाइस देख रहे हो ना, सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। 4K में देख रहे हो।